तो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। आपने अक्सर देखा होगा, जब भी हम मार्केट जाते हैं ना, तो इस तरीके के जो कैरी बैग है ना, वो हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं। और सच में अच्छा है, जैसे पॉलीथिन में जो लोग सामान देते हैं अच्छा नहीं लगता, उस तरीके से बैग दे दीजिए बहुत ही प्यारे से। और आज इससे ना मैं आपको बहुत ही अच्छी सी चीज़ बनाना सिखाऊंगी। तो मैं कृष्णा रघुवंशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इन कपड़ों को रख देती हूँ जो लेके आए थे, और मैंने ना बहुत सारे इस तरीके से छोटे छोटे से बड़े से जितने भी थे बैग इकट्ठे कर लिए हैं। और देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमने एक थिक पेज लिया है, जैसे कि आप ड्राइंग का पेज ले सकते हैं या जो हमारी कॉपी वगैरह होती है उसका फ्रंट पेज ले सकते हैं। और पहले हमें इसका पैटर्न तैयार करना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक 6.5 का और 3 सेंटीमीटर का निशान लगा लिया है। अब हमारे पास ना यहाँ पर एक जो है हमारा पैटर्न सांचा या जो भी बन के तैयार हो जाएगा, उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ओवल शेप देंगे। इससे क्या है, हम जो भी लीव्स बनाएंगे ना, वो एक ही शेप में बनकर तैयार होंगी और इतनी प्यारी सी चीज़ बनकर तैयार होगी कि आप भी कहेंगे कि वाह, और आप ना मांग मांग के लेके आएंगे यहाँ पर। तो देखिए बस हमारी शेप जो है तैयार हो गई थी, और थैले जो हमने लिए थे उनका जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, उसको मैंने कट कर दिया है। जैसे कि इसकी साइड में सिलाई रहती है और ऊपर वाला जो पार्ट रहता है उसको हमें हटा देना है। तीनों तरफ से हमने इसको हटा दिया था। और देखिए हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। हमें उतनी ही शेप का कट करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बड़ा करेंगे तो हमारा बेस्ट चला जाएगा और हमें बहुत सारी जो है पत्तियाँ पेटल्स बनाकर तैयार करने हैं। और बनाना ना बहुत ही आसान है, कलर तो आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा सा लग रहा है। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना, एक लंबी सी पट्टी हो गई थी और इसको भी ना हम बीच में से कट करेंगे। और बीच में से ना मैंने इसलिए कट किया है क्योंकि अगर आप इसको पूरा ही फोल्ड करते हैं ना, तो वो उतना फोल्ड होगा अभी कटेगा नहीं कैंची से। तो इसको हम इस तरीके से देखिए 4 फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर ना जो हमने शेप कट कर लिया था उसको रख लेंगे। अगर हम ये शेप नहीं बनाते ना, तो क्या होता है, छोटी बड़ी चीज़ बनती है और फिर उतनी अच्छी देखने में भी नहीं लगेगी और फिनिशिंग भी नहीं आएगी। तो देखिए मैंने इस पर रख कर यहाँ से इस तरीके से इसको काट लिया है। और इसको ना बच्चे भी बना सकते हैं और बड़े भी बना सकते हैं। आप देखिए फेंकने की चीज़ों से ना हम कितनी कितनी सुंदर सुंदर सी चीज़ें बना सकते हैं, और लगाने के बाद ना इतनी प्यारी लग रही है कि आप भी जब इसको जितनी बार भी देखेंगे ना, तो आप कहेंगे वाह। और देखिए इस तरीके से मैंने ना इसकी छोटी छोटी सी जो है पत्तियाँ बना के तैयार कर ली थी। और मैंने यहाँ पर 2 कलर का यूज़ किया है, आप चाहें तो कितने ही कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ना रेड और येलो कलर की कितनी सारी सी जो है पत्तियां बन के तैयार हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने ना यहाँ पर मैंने एक फॉर्म शीट ली है, आप चाहें तो और कुछ ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप जो बच्चों की इरेजर आती है वो ले सकते हैं या फिर आप साबुन भी ले सकते हैं। बस इस तरीके से क्या है, हमें सुई लेना है और उसमें धागा डालना है। धागा डालने के बाद उसके नीचे या तो आप जो कुछ लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से कागज लगाइए। बस आपको सुई को इस तरीके से सीधा रखना है। तो यहाँ पर आप किसी और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए जो हमने थैले की जो पत्तियाँ कट की थी उसमें हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, और बस हम इसको लगाते जाएंगे और एक के ऊपर एक हमको इसी तरीके से लगाना है। बहुत ही आसान है और बहुत सुंदर सी चीज़ बनकर तैयार होगी। और जब ये बनेगी ना, तो आपका मन बहुत खुश होगा। मेरी बन गई है, तो मैं ना बार बार इसी को देख रही थी और मन कर रहा था ढेर सारी बना कर ना पूरे घर को सजा लूँ। वैसे भी ना नया घर बना है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इसको सजाने में। नया नहीं, मैं तो अपना पुराना वाला घर भी बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करके रखती थी, और बहुत सारे आइटम जो है DIY मैं खुद से बना कर ही अपने घर में लगाना ज़्यादा पसंद करती थी। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको बना लिया है, और इससे ना आप बहुत ही सुंदर सुंदर सी चीज़ें बना सकते हैं। अगर मेरे पास और भी समय रहा और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बना के दिखाऊंगी, तो देखिए इस तरीके से है ना तैयार हो जाएगी। और येलो वाली हमारी पूरी लाइन तैयार हो गई है। इसको हमें ज़्यादा दबा के नहीं बनाना है, नहीं तो उतना अच्छा लुक नहीं आएगा इसका। और अब ना यहाँ पर मैं रेड वाली पत्तियों का यूज़ कर रही हूँ, और देखिए हमारा रेड वाला भी बन के तैयार हो गया है और बहुत ही सुंदर सा बन रहा है। ये चीज़ें ना मार्केट में बहुत महंगी मिलती हैं, आप लेने जाएंगे ना तो जो चीज़ आप घर में
20 या 25 रुपए से बनाकर तैयार कर लेंगे और थोड़ी सी मेहनत से बनाकर तैयार कर लेंगे, वही चीज़ आपको बाज़ार में ना बहुत महंगी मिलती है। तो देखिए इस तरीके से ना मेरी चीज़ जो है बनके तैयार हो गई है और ऐसा लग रहा है जैसे कि ना मैंने इसमें गुलाब की ढेर सारी पंखुड़ियाँ हैं प्रो कर तैयार कर दी हूँ। और आप जितना बड़ा बनाना चाहें, जितना छोटा बनाना चाहें उतना बड़ा छोटा बना सकते हैं। तो दिवाली आ रही है, किस किस ने अपने घर को डेकोरेट करने का सोच लिया है। और देखिए यहाँ पर मैंने दो छोटे छोटे से रेड पम लगा दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर कुछ गोल्डन बीट्स लगा दूंगी। आपके ऊपर है आप कितना इसको डेकोरेट कर सकते हैं और कितने अच्छे से आप बना सकते हैं। और देखिए इसमें ना मैंने एक बेल लगाई है और ये बेल ना मैंने ऑनलाइन परचेस की थी और बहुत ही प्यारी सी लग रही थी। इसके ऊपर भी हॉल है और इसकी साइड में भी हॉल है। ऊपर वाले हॉल में मैंने लगाई है क्योंकि साइड से जो है धागा वगैरह दिखेगा और इसके जो है ऊपर वाला हॉल ना थोड़ा मतलब बड़ा है तो वहाँ से निकले ना, इसके लिए इसके अंदर या तो आप कोई मोती लगा सकते हैं या कागज लगा सकते हैं। मेरे पास एक पुराना सा पम डला था जो कि बेकार ही था तो उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और ये ना पॉसिबल चीज़ है, इसको आप जब चाहें बॉस कर सकते हैं। और देखिए कितनी प्यारी इस चीज़ बनकर तैयार हो गई। मैं ना इसको आपको हैंग करके दिखाती हूँ और ऐसा लग रहा है बस इसी को देखती रहूँ, बहुत ही अच्छी लग रही है। आप इसको अपने गेट के दोनों तरफ या तो देखने के बाद ना आपको ज़रूर से लग रहा होगा कि आपको इसको बनाना चाहिए और आप भी ना ज़रूर से इसको बनाएंगे। तो बनाइएगा और अपने घर को डेकोरेट कीजिएगा क्योंकि अपने हाथ से बनी हुई चीज़ों से घर को डेकोरेट करने में ना बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे तो ना बहुत पसंद है। तो इसको मैंने अपने जो किचन का डोर था वहाँ पर हैंग कर दिया है। आप चाहें तो इसकी और बहुत ढेर सारी बनाकर जगह जगह जहाँ भी डेकोरेट करना चाहें वहाँ पर कर सकते हैं। देखिए आपको ये कैसी लग रही है, मुझे ये ना बहुत ज़्यादा पसंद आई है और बहुत ही प्यारी सी लग रही है और बनाना ना बहुत इजी है, कोई बच्चा भी बना ले ऐसी चीज़ें। और देखिए कलर इसके और जो बैग ना हम फेंक देते हैं घर पे लाके उनका यूज़ करके ना सुंदर सी चीज़ बनाई है। अब तो ना शॉप पे जाऊंगी और ढेर सारे थैले लेके आऊंगी और फिर से बनाऊंगी। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें ना बहुत सारी जो है गुलाब की पंखुड़ियाँ लेके ना उनको इसमें प्रो दिया है। और कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, येलो और रेड बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब बहुत पसंद आई है और भी बनाऊंगी। जो बेल थी ना वो मेरे इसमें लगा दी मैंने, तो और सुंदर सुंदर से DIY बनाऊंगी मैं दीपावली के लिए, आप ज़रूर से देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और या तो ब्लॉग आएगा या कोई सा DIY आएगा तो ज़रूर से देखना। अगर पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना।